हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में मस्त और व्यस्त दोनों होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी के कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि दोस्त सर हमें 30 क्वेश्चन कराओ, तो आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन 15 जनरल साइंस के होंगे, 15 जनरल नॉलेज के होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे बड़ा अच्छा पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। जल्दी से दोस्तों अपना आंसर बताइए। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऋग वेद, वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय संगीत का जनक सोमवेद को माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गद्य और पद्य के संबंधित कौन से वेद को माना जाता है, तो आपका एक आंसर ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस युद्ध में भारत ने मुगल राज की नींव रखी। किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव रखी। दोस्तों जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, पानीपत के युद्ध के में, उससे उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। पीलीकोटी का युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो दोस्तों हम आज के चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, आदि ग्रंथ पुस्तक सिक्कों से संबंधित है। बढ़ते हैं हम आज के पांचवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और साथ ही अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में होगा। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। साथ ही आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई होगा। ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों छठा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, सियाचिन सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। दोस्तों बढ़ रहे हैं आज के सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवें नंबर का क्वेश्चन हमसे बड़ा अच्छा पूछा है, युद्ध किस वर्ष हुआ। दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बताओ। इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 5 वर्ष से चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष से चला था। दोस्तों अगर भारत और चीन का युद्ध के बारे में पूछे, तो 1962 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। तो हम आज के आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आठवें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना होता है। जल्दी से दोस्तों अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही जो बच्चे लाइव हैं, वो लाइव चैट में अपना आंसर बताइए। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताइए। बहुत खूब, सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, 1 घंटा शून्यकाल लोकसभा का शून्यकाल होता है। बढ़ते हैं आज के नवे नंबर के क्वेश्चन की ओर। नवा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं आज के दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर। दसवें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, टेस्ट मैच की पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी। जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, साथ ही अपना कंपटीशन चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, इरफान पठान ने पहले ही मैच में हैट्रिक ली थी टेस्ट में। तो बढ़ते हैं आज के हम 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। 11 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। जल्दी से दोस्त लोग अपना आंसर बताइए और साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नेताजी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। साथ ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सी नंबर का होगा, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, गुजरात गरबा और डांडिया का लोक नृत्य है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामलीला कहाँ की लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश की रामलीला लोक नृत्य है। साथ ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम लोक नृत्य है। यक्षगान के बारे में पूछा जाए, तो कर्नाटक आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम आज के 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, वो आते हुए भी आप एग्जाम में गलत कराते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए। इस कॉलेज में, इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है। दोस्तों आप पूरे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते नहीं हो और सीधे खड़कवासला में निशान लगा देते हो। दोस्तों पर इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर नई दिल्ली होगा। नेशनल डिफेंस अकेडमी पूछा जाए तब खड़कवासला होगा, अगर नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछा जाए तो दिल्ली होगा। अगर आपसे IMA पूछा जाए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी,
तो वो होगी दोस्तों देहरादून में। बढ़ते हैं हम आज के 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 14वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, रघुवंशम नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? रघुवंशम नामक पुस्तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पहले से ही आता होगा, तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। रघुवंशम, शकुंतलम, मेघदूत, दोस्तों ये तीनों पुस्तकें आप याद रख लीजिए, ये हैं कालिदास की दोस्तों। ये पुस्तक एग्जाम में बार बार पूछी गई है, अगर कालिदास से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों पुस्तकों का बनेगा दोस्तों। हम आज के 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं हम 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ये प्रश्न आता होगा, तो जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर दीजिए। तो हुमायूं का मकबरा, जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे ताजमहल कहाँ स्थित है तो वो आगरा में स्थित होगा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम आज के 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर, साथ ही अपने सामान्य विज्ञान की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी की हमसे रिक्वेस्ट है कि 30 क्वेश्चन कराओ, पर हम आज के लिए 30 क्वेश्चन लाए हैं। पर दोस्तों अगर आज की वीडियो में आपको भी हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, 120 लाइक का हमारा आज का टारगेट है। अगर कल तक के 120 लाइक नहीं होते तो हम कल से फिर से क्वेश्चन कम लाएंगे। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, आप वीडियो पूरी देखा करो, आप आधी वीडियो देखते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको और चैनलों पर वो क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो इस चैनल पर आपका रिवीजन हो जाता है दोस्तों। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतने बार वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, सोडियम धातु को किसमें रखा डुबो कर रखा जाता है? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये प्रश्न आपको आता होगा, सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया, कैरोसिन, कैरोसिन में इसको रखा जाता है। बढ़ते हैं हम आज के 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस ईंधन द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर कौन कौन लाइव चैट में सही दे रहा है दोस्तों। इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोजन से न्यूनतम प्रदूषण होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? दोस्तों जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बढ़ते हैं आज के 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न पूछा है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम बताओ। जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, इस आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, नोबल गैस की खोज किसने की थी? जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, इसका आंसर जो दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, विलियम रमसेन का जन्म 2 अक्टूबर 1852 में हुआ था। साथ ही दोस्तों आज तो आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप थोड़ा हाई लेवल का भी पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं आज के 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, सभी एंजाइम बने होते हैं खनिज के, वर्षा के, प्रोटीन से, ये सभी? दोस्तों जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, प्रोटीन के सभी एंजाइम बने होते हैं। बढ़ते हैं आज के 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 22वें नंबर का प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है, 22वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, रेडियस मानव टांग में नहीं पाई जाती है, बाकी ये तीन मानव टांग में पाई जाती है। बढ़ते हैं आज के 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, युवा मनुष्य के लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती है, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। साथ ही हम बढ़ते हैं आज के 24वें नंबर प्रश्न की ओर, आलू पौधे का होता है, जड़, तना, फूल, फल? जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, आलू तना होता है पौधे का। बढ़ते हैं आज के 25वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 25वां नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? जल्दी से दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 65%, उनका आंसर बिल्कुल सही है, मानव रक्त में प्लाज्मा 65% होता है। बढ़ते हैं आज के 26वें नंबर प्रश्न की ओर। 26वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, प्लेग बीमारी फैलती है मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से? जो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दोस्त बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, चूहे के काटने से प्लेग बीमारी होती है। दोस्तों हमने आपके आज की वीडियो का 120 लाइक का टारगेट रखा है, उम्मीद करता हूँ कि कल शाम तक आप इसको पूरा कर देंगे। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे 120 लाइक का टारगेट का पूरा कर देंगे, साथ ही अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं हम आज के 27वें नंबर प्रश्न की ओर। 27वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से दोस्तों लोग अपना आंसर बताइए, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ नहीं रहे हैं, वीडियो पूरी देख नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल से नीचे जुड़ जाइए। बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न आता होगा, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 29वें नंबर प्रश्न की ओर। 29वें नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, चमगादड़ इसमें से संबंधित है, पक्षी स्तनधारी
इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों, जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आपकी कम तैयारी बहुत अच्छी है, आप हमें कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो में आपने 30 में से कितने प्रश्न करें, हम आपको देखेंगे। जो दोस्त लोग 26+ प्रश्न कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपकी जीके और जीएस एग्जाम में गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आपके इंडियन आर्मी का एग्जाम इसी लेवल का पूछा जाता है। तो दोस्तों 30वें नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमसे ये पूछा है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो दोस्त लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, 206 मानव शरीर में हड्डियां पाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं तक की थी, आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही सभी दोस्त लोग जय हिंद वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन हुए ये भी आप हमें बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे 120 लाइक के टारगेट पूरा कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।